हिंदू धर्म में सावन महीने का बड़ा ही महत्व है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। सावन के महीने में भगवान शिव को जल चढ़ाने की विशेष परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि सावन के पावन महीने में भोलेनाथ को जल चढ़ाने से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और साधक पर उनकी कृपा बरसती है। भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, साथ ही उन्हें चंदन, धतूरा, बेल के पत्ते, गाय का शुद्ध दूध, फल, मिठाई आज भी शिवजी को अर्पण किए जाते हैं। माना जाता है कि सावन के सोमवार को पूजा करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में खासकर सोमवार के दिन व्रत, उपवास और पूजा पाठ अर्थात रुद्राभिषेक, कवच पाठ, जाप इत्यादि का विशेष लाभ होता है। सनातन धर्म में यह महीना बेहद पवित्र माना जाता है। पुराणों में यह भी कहा गया है कि सावन के महीने में सोमवार के दिन शिवजी को एक बेल पत्र चढ़ाने से 3 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए इन दिनों शिव की उपासना का बहुत महत्व है। आखिर भगवान शिव को सावन में सबसे अधिक जल क्यों चढ़ाया जाता है? सावन में जल चढ़ाने से महत्व क्यों बढ़ जाता है? सावन के महीने में आखिर ऐसी क्या खास बात है जब शिव जल और दूसरी शीतल चीजों से प्रसन्न होते हैं? दर्शकों, इसे लेकर एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा प्रचलित है जिसे जानकर आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। भगवान शिव को सावन के महीने में जल चढ़ाने की परंपरा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। आप देख रहे हैं डीएम जर्नी। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। पौराणिक कथा के अनुसार चिरकाल में जब दानवों का आतंक बढ़ा और दानवों ने तीनों लोक पर आधिपत्य जमा लिया, उस समय देवतागण और ऋषि मुनि भगवान श्रीहरि विष्णु के पास गए, जहां उन्होंने दानवों पर विजय पाने के लिए समुद्र मंथन करने की सलाह दी। इसके पश्चात देवताओं ने दानवों के साथ मिलकर नाग, वासुकी और मंदार पर्वत की मदद से क्षीर सागर में समुद्र मंथन किया। कहा जाता है कि सावन माह में ही समुद्र मंथन हुआ था। इससे 14 रत्नों समेत अमृत और हलाहल विष की प्राप्ति हुई, जिसमें हलाहल विष निकला था और उसको शिवजी ने अपने अंदर ग्रहण कर लिया था। इसके बाद उनके कंठ में काफी जलन महसूस हुई थी, जिसके बाद देवी, देव, दानव, दैत्य सभी लोग बाबा भोलेनाथ को गंगाजल से स्नान कराए थे, साथ ही बिल्वपत्र के भोग लगाए थे। बिल्वपत्र संस्कृत शब्द है और हिंदी में इसे बेलपत्र भी कहा जाता है। कहा जाता है कि गंगा का जल और बेलपत्र ग्रहण करने से विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है और राहत मिलती है। इससे 14 रत्नों समेत अमृत और विष की प्राप्ति हुई। यह विष धरती पर गिर जाता तो पूरी धरती विषमय हो जाती और सृष्टि का विनाश भी हो सकता था। इसलिए जब विष धारण करने की बात आई तो देवता और दानव सभी पीछे हट गए। भगवान शिव से विष से मुक्ति दिलाने की याचना की गई। उस समय भगवान शिव ने विष को धारण किया। जब भगवान शिव विष धारण कर रहे थे तो विष की कुछ बूंदे धरा पर भी गिरी, जिन्हें सांप, बिच्छू और अन्य विषधारी जीवों ने ग्रहण कर लिया। इसके चलते वे सभी विषधारी हो गए, जबकि भगवान शिव ने समस्त विष को अपने ग्रीवा अर्थात कंठ में धारण कर लिया। विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया, इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। इसके बाद उनके कंठ में काफी जलन महसूस हुई थी, जिसके बाद देवी, देव, दानव, दैत्य सभी लोग बाबा भोलेनाथ को गंगाजल पिलाए और जलाभिषेक कराए थे, साथ ही बिल्वपत्र के भोग लगाए थे। आधुनिक समय में कांवड़िया गंगा जल लेकर कांवर यात्रा करते हैं और गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। मान्यता के अनुसार उसी समय से यह परंपरा चली आ रही है कि सावन के माह में गंगा जल और बेलपत्र बाबा भोलेनाथ को अर्पण किया जाता है। देवघर मंदिर पुरोहित जय बैजनाथ ने बताया कि सावन माह उत्तम मास माना जाता है।
इस समय काल में जो श्रद्धालु गंगाजल और बेलपत्र बाबा भोलेनाथ को अर्पण करते हैं, उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि सावन माह में श्रद्धालु बाबा धाम पहुंच रहे हैं और बाबा पर जलाभिषेक भी कर रहे हैं। बाबा भोलेनाथ को बिल्वपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत प्रिय हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना में यदि बेलपत्र नहीं चढ़ाया तो वह पूजा अधूरी मानी जाती है। बेलपत्र के तीन पत्ते जो आपस में जुड़े होते हैं वे पवित्र माने जाते हैं। इन तीन पत्तों को त्रिदेव माना जाता है। मान्यता है कि तीन पत्ते महादेव के त्रिशूल का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह भी माना जाता है कि बेलपत्र के तीन जुड़े हुए पत्तों को शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव को शांति मिलती है और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र को त्रिदेव का शक्ति पुंज भी कहा जाता है। अपने त्रिकोणीय आकार के साथ बेलपत्र भगवान शिव की तीन आँखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भगवान के अस्त्र त्रिशूल का प्रतिनिधित्व करता है। बेलपत्र ठंडक प्रदान करते हैं। यह भी माना जाता है कि सावन में बेलपत्र से पूजा करने वाले भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव बहुत खुश होते हैं। बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। बेल वृक्ष के नीचे गरीबों को भोजन कराने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। ऐसी मान्यताएं भी हैं कि श्री राम भी 108 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर कावड़ लेकर बैद्यनाथ धाम आए थे और बाबा भोलेनाथ पर जलार्पण किए थे। मान्यता यह भी है कि सावन में उत्तरवाहिनी गंगा का जल जो श्रद्धालु बाबा को अर्पण करते हैं, उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। दूसरी मान्यता है कि सावन महीने में ही भगवान शिव ससुराल जाने के लिए पृथ्वी पर अवृत हुए थे। कहा जाता है कि जब वे ससुराल पहुँचे थे तब उनका स्वागत जलाभिषेक से हुआ था। मान्यता है कि हर वर्ष सावन महीने में ससुराल जाने के लिए भगवान शिव पृथ्वी पर अवृत होते हैं। यही कारण है कि सावन महीने में जलाभिषेक किया जाता है।